लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करने जा रहे हैं। अभी तक जो लेक्चर वन और लेक्चर टू हम लोगों ने खत्म किया, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कवर अप किए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक करने का कोशिश करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है और एक फंक्शन के अंडर पे तीन केसेस दिया हुआ है कि मतलब यू नो एक्स का वैल्यू 0 से 1 हुआ तो 3 होगा, एक्स का वैल्यू अगर 1 से 3 हुआ तो 4 होगा, एक्स का वैल्यू अगर 3 से लेके अगर 10 हुआ तो यू नो यू विल गेट 5। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि मतलब यू नो मतलब स्टूडेंट्स का जब भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चंस को एक राइट अप्रोच लेने में वो थोड़ा गलत कर लेते हैं। कुछ केसेस मिसिंग हो जाता है या फिर ये वो ऐसा कुछ हो जाता है। तो यू नो मतलब ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है ये वाला टाइप, और 4 मार्क का क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक अप्रोच देने का कोशिश करूंगा, देखना आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दूंगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे x का वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ तक लेना है। देखो यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, मेरा 0 से लेकर स्टार्ट करना है और कहाँ तक खत्म करना है, मुझे 10 तक खत्म करना है। ठीक है, तो 0 से लेकर मुझे स्टार्ट करना है और 10 तक खत्म करना है। यह x का वैल्यू इधर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, दिस इज माई एक्स। और ये मुझे 0 से 1 तक जाना है, 0 से 1 तक जाना है, फिर 1 से लेकर मुझे 3 तक जाना है, 1 से लेकर 3 तक जाना है, लाइकवाइज 3 से लेकर मुझे 10 तक लेना जाना है। अब बात ये है कि सर मुझे 10 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है, एट 1 चेक करना है, एट 3 चेक करना है, एट 10 चेक करना है। तो 0 पे मुझे चेक करना है कि नहीं, उसके लिए मुझे क्या 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 करना होगा। अब देखो 0 के अगर इस केस में जाऊंगा तो मुझे 0 प्लस होगा, अगर इस केस में अगर 0 होगा तो 0 माइनस होगा, 1 के केस में अगर इस साइड गया तो 1 प्लस होगा और इस साइड में आया तो क्या होगा मेरा 1 माइनस, लाइकवाइज ये वाला मेरा 3 प्लस और ये वाला क्या होगा मेरा 3 माइनस, ये वाला क्या होगा मेरा 10 प्लस और ये वाला क्या होगा मेरा 10 माइनस। अभी देखो हर केस में मुझे एक एक फंक्शन मिल रहा है कि नहीं। अगर मैं 0 पे अगर खड़ा हो रहा हूँ तो 0 के इस साइड में 0 प्लस है, तो 0 प्लस के लिए मुझे फंक्शन क्या होगा, देखना 0 के इस साइड के लिए फंक्शन वैल्यू आई एम गेटिंग 3, लेकिन 0 के मतलब अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो आई एम गेटिंग 3, लेकिन अगर 0 से छोटा हुआ तो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, तो 0 से छोटा हुआ तो कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है। लाइकवाइज अगर मैं 0 से लेके 1 तक जा रहा हूँ, अगर 0 से लेके 1 तक जा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग एफ ऑफ एक्स 3, तो सेम बात है, इस साइड का जो फंक्शन होगा यहाँ पे भी वही फंक्शन आई एम गेटिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केस नंबर देखो, अब मैं 0 नहीं ले सकता हूँ, मतलब मैं 0 नहीं लूंगा, 0 पे नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि 0 पे मुझे राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों दो फंक्शन नहीं मिल रहा है। मैं आगे जा रहा हूँ और समझ में आएगा। जैसे कि मान लो पॉइंट 1 है, तो पॉइंट 1 के 1 से अगर बड़ा हुआ तो अगर मेरा 1 से x का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो आई एम गेटिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, अगर 1 से छोटा हुआ तो आई एम गेटिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। तो जिस भी पॉइंट में मुझे दो फंक्शन मिल रहा है ना, इस साइड राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, जिस पॉइंट में मुझे राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में मुझे फंक्शन वैल्यू मिल रहा है, उस केस में उस पार्टिकुलर पॉइंट पे मुझे चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस पॉइंट में मुझे राइट हैंड राइट साइड में फंक्शन वैल्यू मिल रहा है और लेफ्ट साइड में फंक्शन वैल्यू अलग मिल रहा है, एट दैट पॉइंट आई नीड टू फाइंड आउट वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, लाइकवाइज अब मैं 1 से लेकर 3 तक जा रहा हूँ तो मुझे फंक्शन कितना मिल रहा है 4, एट पॉइंट 3, देखो एट पॉइंट 3 में आया, 1 से लेकर 3 तक आ गए, अब मैं मुझे 3 पे चेक करना है वेदर इस फंक्शन कंटिन्यूअस होना, मुझे चेक करना है, तो 3 के इस साइड में आया तो 3 प्लस के लिए फंक्शन वैल्यू क्या होगा, देखना 3 के लिए फंक्शन वैल्यू क्या होगा मेरा, 3 से अगर बड़ा हुआ तो आई एम गेटिंग 5, और अगर 3 से छोटा हुआ तो फंक्शन वैल्यू कितना होगा, देखना 3 से अगर छोटा हुआ तो फंक्शन वैल्यू कितना होगा 4। तो 3 पे आई एम गेटिंग 2 डिफरेंट फंक्शन, एट 3 आई एम गेटिंग 2 डिफरेंट फंक्शन, तो आई नीड टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट पॉइंट 3। ठीक है, अब देखो अब मैं कहां से आ गया, 3 से 10 तक आया, 3 से अगर 10 तक आया तो फंक्शन कितना होगा, देखना 3 से 10 मेरा फंक्शन कितना होगा 5 होगा, तो उस केस में मुझे तो चेक करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मुझे 10 पे चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट पॉइंट 10, तो मैंने बोला उस पॉइंट जिस पॉइंट में चेक करना है उसका राइट लेफ्ट में फंक्शन है कि नहीं चेक करते हैं, तो 10 प्लस से अगर बड़ा हुआ तो x का वैल्यू 10 से छोटा हुआ या 10 हुआ तब मुझे 5 मिल रहा है, लेकिन इस साइड के लिए कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन इस साइड के लिए फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली 5 ही होगा, ऑब्वियसली 5 होगा, तो आई एम गेटिंग 5। तो एट पॉइंट टेन तो मुझे राइट साइड में कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो इस एट दिस पॉइंट आई डोंट नीड टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, इस पॉइंट के लिए मुझे वो चेक नहीं करना होगा। अब देखो अब मेरा केसेस क्या बन रहा है, पहली बात तो मुझे 0 पे चेक करना नहीं पड़ेगा,
क्योंकि जीरो पे राइट लेफ्ट दोनों फंक्शन अलग नहीं हो रहा है, तो मुझे फर्स्ट केस क्या करना होगा, एफ ऑफ एक्स मतलब जीरो से लेके वन तक चेक करना होगा, तो केस नंबर वन। ठीक है, अब देखो एट वन मुझे चेक करना होगा, क्यों करना होगा, क्योंकि दो फंक्शन मिल रहा है, तो दिस इज माई केस नंबर टू। फिर मुझे वन से थ्री तक गया तो कितना होगा मेरा, केस नंबर थ्री। फिर मुझे थ्री पे चेक करना होगा तो कितना होगा, केस नंबर फोर। फिर मुझे इस पॉइंट के लिए चेक करना होगा तो इस पॉइंट के लिए चेक करूंगा तो कितना होगा, केस नंबर फाइव। तो इसमें टोटल कितना केसेस बनेगा, पांच केसेस बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप जो इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं की वो भी पता, उनको पता है कि कोई भी एक पॉइंट मतलब वेदर द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, उसके लिए चेक करने के लिए तीन स्टेप होता है। पहले मुझे एफ ऑफ ए निकालना होगा, एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, फाइनाइट, एफ ऑफ ए फाइनाइट होना चाहिए। और स्टेप नंबर टू मुझे क्या पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स ये क्या होना चाहिए, मेरा एग्जिस्ट होना चाहिए। और तीसरे वाला पॉइंट, तीसरे वाला स्टेप में मुझे पता है ये दोनों वाला, दोनों क्या होना चाहिए, दोनों मेरा इक्वल होना चाहिए। अब मैं एक एक करके चेक कर रहा हूँ, देखता हूँ एवरी पॉइंट में चेक करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये वाला पॉइंट मैंने चेक किया एट केस नंबर वन, केस नंबर वन ये मैं समझाने के लिए मतलब लिखा हूँ, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आओ एट केस नंबर वन। केस नंबर वन में कहाँ से कहाँ तक आऊंगा, जीरो से लेके वन। तो एट केस नंबर वन वेन एक्स मेरा जीरो से लेके वन तक जाएगा, एक्स अगर जीरो से वन हुआ तो फंक्शन मुझे क्या मिल रहा है, देखो जीरो से वन मुझे फंक्शन क्या मिल रहा है, एट एक्स इक्वल टू थ्री। तो सिंस सिंस इट इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये मेरा एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना, कॉन्स्टेंट फंक्शन, सो इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कोई भी अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है तो ये वाला क्या होगा, मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। नाउ केस नंबर टू, अगर मैं केस नंबर टू में आया तो केस नंबर टू में किस पॉइंट में चेक करना होगा, एट वन। तो वेन वेन एक्स इक्वल्स टू वन, तो एट एक्स इक्वल्स टू वन मुझे चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू वन आई नीड टू फाइंड, एट एक्स इक्वल्स टू वन मुझे पहले बताओ कि एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है। एट एक्स इक्वल्स टू वन माई फंक एट एक्स इक्वल्स टू वन माई फंक्शन इज थ्री, फंक्शन इज थ्री। तो एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना होगा, थ्री होगा। दैट इज योर स्टेप नंबर ए। स्टेप नंबर टू, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स। अब देखो देखना, मैक्सिमम स्टूडेंट यही पे गलती करते हैं। अब देखो एट एक्स इक्वल्स टू वन, एट एक्स इक्वल्स टू वन लेकिन वन नहीं है, टेंस टू वन है। तो टेंस टू वन में मुझे दो फंक्शन मिल रहा है, इस साइड के लिए मुझे एक फंक्शन मिल रहा है और इस साइड के लिए एक फंक्शन मिल रहा है, दो फंक्शन मिल रहा है। तो दो फंक्शन के लिए मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट राइट दो फंक्शन लेना होगा। तो अगर मैं दो फंक्शन लूंगा तो अब देखना यहाँ पे पहले मैं राइट हैंड लिमिट का निकालता हूँ। तो राइट हैंड लिमिट का निकालूंगा तो लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स। तो वन प्लस के लिए एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, वन प्लस के लिए मुझे वन अगर वन होगा तो मेरा फोर होगा। तो इसमें मैं पुट करने के लिए कुछ है नहीं तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो, वो मैं डायरेक्टली करूँगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि वो एच टेंस टू जीरो क्यों कर रहे हैं। तो मेरा ये लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर मैं क्या करूँगा, राइट हैंड लिमिट का फोर आया, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या बोला, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, अगर वन से छोटा हुआ, अगर वन से छोटा हुआ तो क्या होगा, मेरा थ्री होगा। फंक्शन वैल्यू थ्री, यहाँ पे पुट करने के लिए कुछ है नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ थ्री, या फिर एच टेंस टू जीरो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, लिमिट एफ ऑफ ए मतलब ये एग्जिस्ट होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स ये मेरा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। देखना ये वाला एग्जिस्ट होना चाहिए, तो ये तो एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा है ना, ये दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों राइट लेफ्ट तो इक्वल हो ही नहीं रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये नॉट इक्वल्स टू, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एट व्हिच पॉइंट के लिए निकल रहे, एट एक्स इक्वल्स टू वन के लिए फंक्शन क्या है, मेरा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू वन के लिए मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस चेक करने के लिए पहली बात तो पहले लिमिट तो होना चाहिए, लिमिट तो एग्जिस्ट होना ही चाहिए। लिमिट जब एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा है तो कंटिन्यूटी कहाँ से चेक करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा राइट लेफ्ट का वैल्यू दोनों इक्वल नहीं आया। ठीक है, ये वाला केस नंबर टू आपको समझ में आ गया होगा। अब अभी हम लोग केस नंबर थ्री करेंगे। केस नंबर थ्री आप देखो, अभी हम लोग केस नंबर थ्री कर रहे हैं।
तो केस नंबर थ्री के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, एक्स का वैल्यू मेरा हो रहा है केस नंबर थ्री के लिए वन से लेके थ्री तक, वन से लेके थ्री तक मुझे फंक्शन क्या मिल रहा है, थ्री। एक्स का वैल्यू वन से लेके थ्री तक, तो फंक्शन आई एम गेटिंग फोर। अगेन सिंस दिस इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, देयरफोर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। हमें पता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, हमारा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अब मैंने क्या कर लिया, अब हम लोगों ने केस नंबर वन कर लिया, केस नंबर टू कर लिया, थ्री कर लिया, अभी हमें क्या चेक करना है, एट थ्री चेक करना है। तो अभी आप थ्री पे चेक करो, तो एट एक्स केस नंबर फोर, तो केस नंबर फोर में क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू किस पॉइंट में चेक कर रहे हैं, एट एक्स टू थ्री, तो एट एक्स इक्वल्स टू थ्री मेरा फंक्शन क्या है, देखो आप एट एक्स इक्वल्स टू थ्री आपको फंक्शन देखना, तो एट एक्स इक्वल्स टू थ्री, एट एक्स इक्वल्स टू थ्री, तो एट एक्स इक्वल्स टू थ्री पे मुझे एक्स का वैल्यू जब थ्री होगा, एक्स का वैल्यू जब एक्स का वैल्यू थ्री होगा, है ना, तो एक्स का वैल्यू एक्स बड़ा हो सकता है थ्री से या थ्री भी हो सकता है, तब मेरा फंक्शन क्या होगा, मेरा फाइव होगा, है ना, ये नहीं होगा क्योंकि ये थ्री से छोटा है, लेकिन ये थ्री भी हो भी सकता है और थ्री से बड़ा भी हो सकता है, तो क्या होगा मेरा फाइव। तो एट एक्स इक्वल टू थ्री फंक्शन वैल्यू थ्री, तो एफ ऑफ थ्री क्या होगा मेरा, वही फाइव होगा क्योंकि वेरिएबल पुट करने के लिए जगह है नहीं। अब स्टेप नंबर ए, स्टेप नंबर बी में मुझे क्या करना होगा, स्टेप नंबर बी में मुझे यह चेक करना होगा लिमिट लेफ्ट राइट करना होगा, है ना, देखो एट थ्री इस पॉइंट में मुझे फंक्शन लेफ्ट राइट करना होगा, फंक्शन क्यों लेफ्ट राइट करना होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग हो रहा है, इस पॉइंट में दो फंक्शन मिल रहा है, तो आई नीड टू फाइंड आउट वेदर दिस इज कंटिन्यूअस और नॉट एट दिस पॉइंट पॉइंट थ्री, ठीक है ना। तो एट अगर थ्री में अगर हम लोग पॉइंट पुट कर रहे हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू किस पॉइंट के लिए निकल रहे हैं, थ्री, तो थ्री एफ ऑफ एक्स। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि लेफ्ट राइट चेक करने के लिए हमें यह चीज पता होना चाहिए कि दोनों अगर दोनों साइड में फंक्शन अलग अलग हो रहा है, तो आई नीड टू फाइंड आउट लेफ्ट एंड राइट, तो फंक्शन अलग अलग है हो रहा है, तो इसलिए राइट हैंड लिमिट निकाल रहे, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो अगर फंक्शन वैल्यू अगर थ्री से बड़ा हुआ, फंक्शन वैल्यू अगर थ्री से, अगर एक्स अगर थ्री से बड़ा हुआ, तो आई एम गेटिंग फाइव, तो मुझे क्या मिलेगा, फंक्शन वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पॉजिटिव, फंक्शन वैल्यू कितना मिलेगा, फाइव। तो यहाँ पे पुट करने को कुछ है नहीं, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ फाइव, ठीक है। तो अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या निकला, एक्स टेंस टू क्या होगा मेरा, थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स। अभी आप देखो अगर थ्री से छोटा हुआ, अगर मेरा एक्स थ्री से छोटा हुआ, तो आई एम गेटिंग फोर, तो मुझे क्या मिल रहा है, एट एक्स एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, फोर, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, फोर। तो सिंस दिस टू फंक्शन आर नॉट इक्वल, ये तो लिमिट लेफ्ट साइड लिमिट एक्स टेंस टू थ्री पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल तो हो ही नहीं रहा है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप बोलो इसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं क्या, कर ही नहीं सकते, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट में निकाल रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू, एट एक्स इक्वल्स टू थ्री के लिए हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है। उसके लिए आप केस नंबर थ्री मतलब केस नंबर मतलब स्टेप नंबर सी में जाने का जरूरत ही नहीं, क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो अभी कितना केसेस हो गया, देखो आप केस नंबर फोर भी हो गया, अब केस नंबर फाइव बचा हुआ है। अभी आप आओ केस नंबर फाइव पे, केस नंबर फाइव पे वेन एक्स कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, एक्स थ्री से लेके टेन तक जाना होगा, है ना। अगर मैं थ्री से लेके टेन तक जा रहा हूँ, तो फंक्शन कितना होगा देखना, तो अगर मैं थ्री से लेके टेन तक जाऊंगा, तो आई एम गेटिंग फंक्शन फाइव, एंड फाइव इज नथिंग बट ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, सिंस एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स फ्रॉम थ्री टू टेन, ठीक है। ये वाला क्या होगा मेरा, कंटिन्यूस होगा। देखना ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान ये तो आप ये सब तो आप तो कर ही सकते हो, ये वाला आप सब ये कर कर ही सकते हो। मेन प्रॉब्लम पता है किसमें होता है, मेन प्रॉब्लम आपका ये वाला होता है कि ये केस समझ में आता नहीं आता है, या केस भूल जाते हैं कि हमें ये वाला वन लेना है कि नहीं, ये थ्री लेना है कि नहीं, ये टेन लेना है कि नहीं, बस वो चीज समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला समझाने के लिए मैंने आपको ये वाला एक डायग्रामेटिकली आपको मैंने समझाने का कोशिश किया, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला चीज अगर आपको समझ में आ गया होगा ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, फंक्शन कंटिन्यूटी चेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ।
ठीक है ना, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक काम करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो स्क्रीनशॉट लेके फिर आप अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आप इसका एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी देखो जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है ना, अभी आप देखना सेकंड में आप क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन देखो देखना कहाँ से शुरू हो रहा है, ये जीरो से लेकर कहाँ तक गया, वन तक गया। तो जीरो से लेके वन तक गया, जीरो से लेके वन तक गया, ठीक है। तो अभी आप पूछोगे कि सर अब मुझे जीरो लेना है कि नहीं, वन लेना है कि नहीं, मुझे चेक करना है, तो करते हैं। तो इस साइड में आ रहा हूँ तो मेरा जीरो प्लस होगा, इस साइड में आया तो मेरा जीरो माइनस होगा, इस साइड आया तो वन प्लस होगा, इस साइड आया तो मेरा वन माइनस होगा। अगर जीरो में, अगर लेफ्ट राइट में अगर फंक्शन अलग अलग हो रहा है, देन आई नीड टू फाइंड आउट मतलब एट जीरो वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो जीरो प्लस के लिए देखो, अगर मेरा एक्स का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा हुआ तो आई एम गेटिंग फंक्शन कितना मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स आई एम गेटिंग जीरो। अगर फंक्शन अगर जीरो से छोटा हुआ, अगर एक्स अगर का वैल्यू जीरो से छोटा हुआ तो आई एम गेटिंग एफ ऑफ एक्स कितना मिल रहा है, टू एक्स मिल रहा है ना। फिर मैं जीरो से लेके अगर वन तक जा रहा हूँ, जीरो से लेके वन तक जा रहा हूँ, जीरो से लेके वन तक गया तो फंक्शन आई एम गेटिंग एफ ऑफ जीरो। ऑब्वियसली जीरो के राइट साइड में इस जो भी फंक्शन मिलेगा इस पॉइंट में भी आपको इसमें वही पे भी वही फंक्शन मिलने वाला है। फिर वन के छोटा आया, वन से अगर एक्स का वैल्यू अगर वन से छोटा हुआ तो आई एम गेटिंग एफ ऑफ एक्स कितना मिल रहा है, जीरो। अगर मेरा वन से बड़ा हुआ, अगर वन से बड़ा हुआ तो फंक्शन आई एम कितना गेटिंग, फंक्शन आई एम गेटिंग फोर एक्स। अभी आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो एट जीरो मेरा फंक्शन दो अलग अलग हो रहा है, देन आई नीड टू फाइंड आउट मतलब एट पॉइंट जीरो वेदर माई फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। एट पॉइंट वन आई एम गेटिंग टू डिफरेंट फंक्शन एट लेफ्ट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दो अलग अलग फंक्शन मिल रहा है। इसका मतलब मुझे इस पॉइंट में मुझे निकालना है वेदर इस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, ठीक है। तो देखो केस नंबर वन, ये वाला मेरा क्या होगा केस नंबर वन, ये वाला क्या होगा मेरा केस नंबर टू, और ये वाला क्या होगा मेरा केस नंबर थ्री, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग चेक करते हैं। देखो तो पहले वाला पॉइंट किस लिए निकाल रहे, किस पॉइंट में निकाल रहे, एट एक्स इक्वल टू जीरो निकाल रहे। तो पहले मैंने आपको बताया कि एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जीरो। तो एफ ऑफ एक्स जीरो तो एक्स एफ ऑफ जीरो क्या होगा मेरा, जीरो। फिर स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में मैंने क्या बोला आपको, लिमिट निकालना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स। अभी देखो जीरो के लिए आप बोलोगे सर मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालना है। मैंने बोला जिस पॉइंट में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जिस पॉइंट में दो फंक्शन मिल रहा है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दो डिफरेंट फंक्शन मिल रहा है, उस पॉइंट में आपको लेफ्ट राइट करना है, ठीक है। तो लिमिट इसके लिए मुझे राइट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूँ, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। अभी आप बताओ जीरो प्लस के लिए जीरो से बड़ा हुआ तो फंक्शन क्या मिल रहा है, लिमिट एक्स एक्स टेंस टू जीरो प्लस फंक्शन क्या मिल रहा है, जीरो। फंक्शन जीरो मिल रहा है ना, तो यहाँ पे जीरो पुट करने के लिए कुछ है नहीं, तो आई एम गेटिंग जीरो, ठीक है। फिर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको बोला क्या करना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर एक्स जीरो से छोटा हुआ, जीरो से छोटा हुआ तो क्या करना हो, आई एम गेटिंग फंक्शन ट्वाइस एक्स, फंक्शन ट्वाइस एक्स। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्स टेंस टू जीरो माइनस इसका मतलब क्या होता है, x टेंस टू जीरो माइनस x अप्रोक्सीमेटली जीरो के जीरो नेगेटिव के आसपास है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना जीरो माइनस h, कि सर h क्या है, h वो चीज है कि अगर मैं उस साइड में अगर h लगा दिया तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये ऐसा हो सकता है, शायद मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है। तो अगर मैं इस पार्ट को अगर जीरो करना चाहूंगा तब कैसे होगा, तब होगा ओनली वेन इफ माई एज टेंस टू जीरो। अगर ये वाला पार्ट अगर जीरो करना होगा देन आई नीड टू फाइंड आउट कि एक्स एट एच विच पॉइंट दिस फंक्शन विल बी जीरो। तो किस देखो ये वाला अगर जीरो करना है तो ये वाला मुझे क्या होना होगा, जीरो होना होगा। तो इसके लिए मैं एक छोटी देता हूँ, डायरेक्टली आप करो इसमें ना, आप कुछ मत करो, लिमिट एच टेंस टू जीरो इसको हटा के आप एच टेंस टू जीरो डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली लिख दिया। अब ये वाला वेरिएबल है ना, वेरिएबल को कुछ मत करो, ये जीरो माइनस है ना, ये जीरो माइनस एच कर दो, जीरो माइनस एच कर दो। जहां पे भी वेरिएबल है ना, जहां पे भी वेरिएबल है, इस वाले वेरिएबल केस में जीरो, ये जीरो माइनस है, जीरो माइनस लिख दिया, बस एच लगा दो, बस एच लगा दो, आपका हो जाएगा। अगर ये जीरो प्लस होता तो आप क्या करते, जीरो प्लस करते और एच ले आते। अभी आप डायरेक्टली करो टू इंटू जीरो माइनस जीरो तो कितना होगा मेरा, जीरो। तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब राइट लेफ्ट दोनों, राइट साइड का लिमिट और लेफ्ट साइड का लिमिट दोनों इक्वल है, देयरफॉर क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट होगा, है ना, आपका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। तो अगर मेरा लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब मैं देख रहा हूँ कि पॉइंट नंबर थ्री
एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दोनों फंक्शन भी इक्वल हो रहा है एट एफ ऑफ जीरो एक्स, देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन किस पॉइंट में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे मेरा फंक्शन क्या मिल रहा है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाउ ये केस नंबर वन मेरा हो गया, अभी आप आओ केस नंबर टू में आओ। ये मेरा केस नंबर वन था, केस नंबर टू में मैं जब आया, केस नंबर टू के लिए मुझे कहाँ तक कहाँ जाना है, जीरो से लेके, जीरो से लेके वन तक आना है ना। तो जीरो से लेके व्हेन एक्स फ्रॉम जीरो जीरो टू वन है ना, तो फंक्शन मेरा क्या है, जीरो। जीरो क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना। सिंस जीरो इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, जीरो एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, देयरफोर इट इज ए कॉन्टिन्यूस, देयरफोर इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है ना, ये जीरो जब मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जीरो मेरा क्या है, जीरो एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और हमें पता है कॉन्स्टेंट फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है ना। ये वाला अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने ये चीज डिस्कस किया था, ये वाला। अभी देखो किस नंबर, अभी जीरो चेक कर लिया, जीरो से लेके वन भी चेक कर लिया, अभी किस पॉइंट में आपको चेक करना है, एट वन। तो अभी हम लोग करते हैं एट वन चेक करते हैं। देखो केस नंबर थ्री, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एट केस नंबर थ्री, एट एक्स इक्वल्स टू वन, तो एट एक्स इक्वल्स टू वन, अभी आप देखो एट एक्स इक्वल्स टू वन, एट एक्स इक्वल्स टू वन मेरा फंक्शन क्या है, एक्स से बड़ा हुआ, एक्स का वैल्यू अगर वन से बड़ा हुआ तो फोर एक्स होगा, लेकिन अगर एक्स का वैल्यू वन हुआ तो फंक्शन वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितना मिलेगा, एफ ऑफ एक्स जीरो मिलेगा। तो एफ एट एफ वन फंक्शन कितना होगा, जीरो, स्टेप नंबर ए। स्टेप नंबर बी, स्टेप नंबर बी में मुझे क्या करना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स। अब देखो अब पता कैसे चलेगा कि, अब पता कैसे चलेगा कि लेफ्ट राइट करना है ना, अब पता कैसे चलेगा कि मुझे लेफ्ट राइट करना है इस फंक्शन के लिए। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जिस पॉइंट में अगर फंक्शन मुझे चेंज हो रहा है, अगर इस पॉइंट में मुझे फंक्शन चेंज हो रहा है, उस पॉइंट के लिए क्या करना होगा, मुझे लेफ्ट राइट करना होगा। तो ऑब्वियसली एट पॉइंट वन, एट पॉइंट वन, इस वन पॉइंट में देखो आप, इस वन पॉइंट में मुझे लेफ्ट राइट दो फंक्शन मिल रहा था, इसलिए मुझे क्या करना होगा, फंक्शन अलग अलग करना होगा है ना। तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट राइट करना होगा। तो इसके लिए अगर लेफ्ट राइट करूंगा तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, देखो आप क्रॉस चेक कर लेना। अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, तो इसके इसके लिए मुझे क्या करना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो इसका लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, अगर एक्स से बड़ा हुआ फंक्शन वैल्यू, अगर एक्स से बड़ा हुआ तो फंक्शन कितना मिल रहा है मेरा, फोर एक्स मिल रहा है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि आप एक काम करो, लिमिट इस जगह में इसको आप हटा दो, आप हटा के लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कर दो। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमने लास्ट में डिस्कस किया था। और यहाँ पे x के जगह पे ना आप 1 प्लस h ऐड कर दो, बस 1 प्लस से 1 प्लस आया, बस h एक्स्ट्रा ऐड कर दो है ना, एक्स्ट्रा h ऐड कर दिया। h के जगह में अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो 1 प्लस 0 0, 4 इंटू 1 4, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो आप, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर 1 से छोटा हुआ तो आप देख लेना, आप बुक में देख लो, अगर 1 से छोटा हुआ तो फंक्शन वैल्यू कितना होगा, देखना फंक्शन वैल्यू होगा आपका जीरो, अगर यहाँ पे पुट करने के लिए कुछ है नहीं, जीरो। तो मैं एक चीज यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे लिमिट ही में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या वो देखो, लिमिट एक्स टेंस टू किस पॉइंट के निकाल रहे, वन प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, अब दोनों इक्वल हो ही नहीं रहे, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, फंक्शन मेरा डिसकॉन्टिन्यूअस है। एट व्हिच पॉइंट, किस पॉइंट के निकल रहे, एट एक्स इक्वल टू वन के लिए निकल रहे, तो एट एक्स इक्वल टू वन माई फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, आपको समझ में आ ही गया होगा। कितना केसेस किया, तीन केसेस किया, मतलब हर पॉइंट के लिए हमने चेक किया, एट पॉइंट जीरो के लिए चेक किया। देखो इस ये वाला चीज मतलब मुश्किल नहीं होता है, बस आपको केस समझ में आना चाहिए कि कौन सा केस लेने वाले हैं, कौन सा केस नहीं लेने वाले। अगर केस कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, अगर इतना समझ में आ गया तो बाकी कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे है ना। केस नंबर वन लिया जीरो पे, केस नंबर टू लिया जीरो से लेके वन तक, फिर केस नंबर थ्री लिया हमने, केस नंबर थ्री भी तक लिया। अभी देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने वाले है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आसान है, अभी तो आपको पूरा फ्लो में आ ही होगा, तो अभी थोड़ा हम लोग फास्ट करते हैं ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या चेक करना होगा, एट माइनस वन तक आया, स्टार्ट किया, और कहाँ तक आना है मुझे, वन तक आना है ना।
-1 से लेकर 1 तक आना है। अब मैं चेक करता हूँ कि -1 पे मेरा फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं। -1 से बड़ा हुआ तो, -1 से बड़ा हुआ तो फंक्शन कितना होगा, फंक्शन वैल्यू मिलेगा 2x। अगर फंक्शन वैल्यू -1 से छोटा हुआ, तो फंक्शन कितना मिलेगा, -2। इसका मतलब एट -1 मुझे राइट हैंड लिमिट और राइट साइड और लेफ्ट साइड दो फंक्शन मिल रहे हैं। इसका मतलब एट -1 आई नीड टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। फिर मुझे -1 से लेकर +1 तक चेक करना है। -1 से लेकर +1 तक मुझे फंक्शन कितना मिलेगा देखना, -1 से लेकर +1 तक फंक्शन वैल्यू कितना मिल रहा है, 2x। ऑब्वियसली इसमें जो इस साइड जो फंक्शन होगा ये वही, और इस साइड में भी वही फंक्शन होगा, सेम होगा। फिर मैं 1 पे आया, फिर देखा 1 से अगर बड़ा हुआ तो, अगर 1 से अगर x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हुआ तो आई एम गेटिंग फंक्शन कितना मिल रहा है, 2। अगर 1 से छोटा हुआ तो फंक्शन वैल्यू कितना होगा देखना, 1 से अगर छोटा हुआ, x का वैल्यू अगर 1 से छोटा हुआ तो फंक्शन कितना मिलेगा, 2x। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 एकदम मतलब जेरोक्स कॉपी है, सेम क्वेश्चंस। तो देखो ये क्या होगा मेरा केस नंबर 1, ये वाला क्या होगा बताओ केस नंबर 2, और ये वाला आपका क्या होगा आपका केस नंबर 3, ठीक है ना। ये वाला आपका क्या होगा केस नंबर 3। तो अब एक एक करके चेक करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, है ना। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 पे के लिए किस पॉइंट के लिए हम लोग निकल रहे हैं, केस नंबर 1 पे लिए हम लोग निकल रहे हैं एट x इक्वल्स टू -1 के लिए निकल रहे हैं। एट x इक्वल्स टू -1 मेरा फंक्शन वैल्यू क्या होगा, f(x = -2). आई नीड टू फाइंड आउट f(-1), तो f(-1) पुट करने के लिए जगह है नहीं, तो मेरा वैल्यू क्या होगा मेरा -2, है ना। फिर स्टेप नंबर टू के लिए लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट के लिए, -1 f(x). अब मैंने देखा कि -1 पे फंक्शन दो अलग अलग हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट राइट करना होगा। तो अभी मुझे मैं राइट हैंड लिमिट निकल रहा हूँ, 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या होगा, 1 प्लस के लिए लिमिट x टेंस टू -1 प्लस फंक्शन 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या होगा, 2x। मैंने बोला अभी आप कुछ मत करो, ये वाला पार्ट को h टेंस टू 0 कर दो, ये वाला पार्ट को h टेंस टू 0 कर दिया, और आप x के जगह पे ना ये वाला पार्ट पुट कर दो, ये वाला x के बाद में जो वाला पार्ट है ना वो वाला। इसका मतलब -1 प्लस, मैंने बोला बस कुछ मत करो एक h ले आओ, तो 2 -1 प्लस 0, 2 × -1 कितना होगा मेरा, -2, है ना। अभी मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ x टेंस टू -1 -f(x), अगर 1 से छोटा हुआ तो, 1 से छोटा हुआ तो फंक्शन कितना होगा देखो, x टेंस टू -1 - फंक्शन वैल्यू कितना हो रहा है, -2। फंक्शन वैल्यू कितना हो रहा है, -2 पुट करने के लिए जगह है नहीं, -2 मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। अगर तो स्टेप नंबर सी फंक्शन वैल्यू f(-1) = जिस पॉइंट में हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं, -1 पे निकाल रहे, दिस टू आर इक्वल, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिख भी देना आप, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है क्योंकि मतलब दोनों साइड का लिमिट, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड का दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट। सी पॉइंट में हम लोगों ने आ गया f(-1) = x टेंस टू -1 f(x), देयरफॉर किस पॉइंट के लिए निकाला, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट के निकाल रहे हैं हम लोग, एट x = -1 में फंक्शन मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना। अभी आप देखो केस नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया, अभी हमें क्या करना है, केस नंबर 2 करना है। तो केस नंबर टू के लिए वैन कब होगा, वैन x -1 से लेकर कहाँ तक आया, 1 तक आया, ये वाला 1 तक आया, 1 में ले सकता हूँ। तो फंक्शन वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरा, 2x। ये 2x क्या है मेरा, पॉलिनोमियल फंक्शन। सिंस f(x) इज ए, मैंने आपको ये चीज़ बताया था, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है मेरा, कंटिन्यूअस। f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर f(x) is f पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो f(x) मेरा क्या होगा कंटिन्यूअस, है ना। अभी मुझे और एक चीज़ क्या चेक करना होगा कि केस नंबर थ्री चेक करना होगा। तो देखो केस नंबर थ्री है, जब मैं कर रहा हूँ तो एट कुछ पॉइंट निकल रहा हूँ, x = 10 निकल रहा हूँ, है ना। एट x = 10 मुझे x = 10 आप देखो फंक्शन वैल्यू क्या होगा, x = 10 माई फंक्शन इज, आप बुक में देख लेना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, टेन नहीं होगा ना, 1 होगा, हाँ ये 1 निकल रहा है, 10 नहीं होगा, सॉरी
तो एट वन फंक्शन क्या होगा मेरा, ट्वाइस एक्स। तो स्टेप नंबर वन, एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या होगा, टू इंटू वन क्या होगा मेरा, टू। मैंने स्टेप सिर्फ लिमिट निकाला, एक्स टेंस टू वन के लिए निकाल रहे एफ ऑफ एक्स। मैंने देखा एट वन मेरा फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन मिल रहा है ना, दो अलग अलग फंक्शन मिल रहे हैं। तो एट एक्स इक्वल टू वन अगर मेरा फंक्शन दो अलग अलग मिल रहा है, तो फिर मैंने आपको ये चीज़ बताया कि दो फंक्शन अलग अलग मिल रहा है तो इसका मतलब मुझे वो फंक्शन भी चेक करना होगा। तो इसका फंक्शन अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब मुझे लेफ्ट राइट करना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, तो अगर मेरा एक्स से बड़ा हुआ तो फंक्शन क्या होगा, देख लेना। अगर एक्स से बड़ा हुआ, एक्स से बड़ा हुआ देखना, अगर एक्स से बड़ा हुआ तो फंक्शन आई एम गेटिंग टू, एक्स से बड़ा हुआ तो फंक्शन आई एम गेटिंग टू। पुट करने के लिए कोई जगह है नहीं, तो क्या होगा मेरा, टू। फिर मैंने आपको बोला कि लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रहे। तो अगर मेरा वन से छोटा हुआ, अगर फंक्शन वैल्यू वन से छोटा हुआ तो फंक्शन वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे, ट्वाइस एक्स मिल रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस ट्वाइस एक्स। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताया था, आप ये वाला पार्ट को जीरो कर दो, एच टेंस टू जीरो कर दो, और एक्स की जगह में कुछ मत करो, वन माइनस पुट यहाँ पे जो है वही चीज़ लिखा, और एक एच टर्म एक्स्ट्रा ले आओ, तो टू माइनस वन माइनस जीरो, तो कितना हुआ, टू। इसका मतलब दोनों लेफ्ट राइट और लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू मेरा इक्वल है, देयरफॉर क्या होगा मेरा, लिमिट एग्जिस्ट। ये वाला क्या होगा मेरा, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। अगर मेरा लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब स्टेप सी में जाना होगा। स्टेप सी में मैंने क्या चीज़ बोला, दोनों ए और बी दोनों इक्वल है कि नहीं, मुझे वो भी चेक करना है। लिमिट एक्स टेंस एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना हुआ, टू, और लिमिट एक्स एट एक्स इक्वल टू वन एफ ऑफ का वैल्यू भी दोनों इक्वल आया, इसका मतलब स्टेप नंबर सी भी इक्वल है। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट विच पॉइंट के लिए निकल रहे, एट एक्स इक्वल टू वन पे निकल रहे, ठीक है ना। आपको समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन नंबर कितना किया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 16। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला एक राइट अप्रोच है, मतलब ये वाला आपका चार मार्क के लिए क्वेश्चन आपको आता है, और ये बहुत आसान होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये वाला केस जो है ना, वो एक नंबर लाइन में अगर हम लोगों ने प्रेजेंट कर लिया तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन अगर अपना वो ये वाला लेके केस लेके करोगे, मतलब ये वाला केस लेके करोगे, ये थोड़ा क्लमजी हो जाता है कि वन लेना है कि नहीं। इसमें ऐसे देखना, अभी आप देखो वही चीज़ विदाउट नंबर लाइन, अगर विदाउट नंबर लाइन मैंने अगर ये वाला किया ना, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज होगा कि सर ये वन माइनस वन लेना है कि नहीं, ये वन लेना है कि नहीं। ये वाला तो समझ में नहीं, ये वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, माइनस वन टू वन लेना, ये वाला तो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। बस मैं जब आपके टाइम पे था ना, तो मुझे ये भी चीज़ समझ में नहीं आता था कि मुझे माइनस वन लेना है कि नहीं एट वन, तो ये वाला थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता था। तो इस केस के लिए मतलब मैंने और थोड़ा ईजी बनाने की कोशिश किया यूजिंग द नंबर लाइन। अब उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया, तो फिर आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बोलना, हम लोग को और भी एक अलग सा डाउट क्लास लेके फिर आपको वो वाला चीज़ समझाने का कोशिश करेंगे। इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आप। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छा लगेगा, मतलब अगर अच्छा लगा तो आप मुझे बताना कैसा लगा आपको, और आप प्रैक्टिस करते रहना, और हम लोग ऐसे ऐसे करके फिर आप लोग को पूरा कैलकुलस, मतलब यू नो पूरा कैलकुलस कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर यू नो आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसा रहा।